हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजन महांती। मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 10 बज चुका है और हमने फ्रेश होके नाश्ता करके चाय पी के उसके बाद आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे CMC भेलोर हॉस्पिटल का जो जनरल डिपार्टमेंट है और प्राइवेट डिपार्टमेंट है, इस दोनों डिपार्टमेंट में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंट क्या है। और इसके बारे में आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, वीडियो में कमेंट आ रहा था, और कमेंट आना बहुत ही कॉमन चीज़ है और कन्फ्यूज़न होना भी बहुत ही कॉमन चीज़ है। सो आज का इस वीडियो में हम CMC भेलोर हॉस्पिटल का प्राइवेट डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट में हम डिफरेंट करके बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट होता है और फैसिलिटी क्या क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम है और ऑपरेशन का क्या सिस्टम है, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको एक एक बात स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप जहाँ से भी आते हैं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डॉक्टर का लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेने के लिए यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और या तो फिर आप किसी साइबर कैफ में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपका दोनों ऑप्शन आता है, एक प्राइवेट आता है और एक जनरल आता है। सो आपका जो आपका मर्जी हिसाब से आप बोल लीजिए, आप प्राइवेट डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो प्राइवेट डिपार्टमेंट लीजिए, आप जनरल डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो जनरल डिपार्टमेंट भी लीजिए। प्राइवेट डिपार्टमेंट में क्या है कि ज़्यादा कॉस्ट आता है, डॉक्टर का जो फीस आता है ज़्यादा कॉस्ट आता है, और जनरल डिपार्टमेंट में थोड़ा कॉस्ट लो आता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेके आने के बाद जब आप CMC भेलोर हॉस्पिटल में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए अगर आपका प्रॉब्लम है गाइनो का प्रॉब्लम है, यानी कि आपका वाइफ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका वाइफ का गाइनोकोलॉजिस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, गाइनो डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मान लीजिए आप गाइनो डिपार्टमेंट डॉक्टर को आपने अपॉइंटमेंट लिया है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप CMC भेलोर हॉस्पिटल में आएंगे, जनरल हो या प्राइवेट हो, आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिस्टम कुछ अलग है। गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सिस्टम है, गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारा डॉक्टर है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर है। यानी कि अगर किसी को ट्यूमर हुआ है उसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट है, अगर किसी को सीस्ट हुआ है उसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट है, अगर किसी को अदर्स प्रॉब्लम है जैसे कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स का प्रॉब्लम है उसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट है, अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए भी अलग सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद एक बार से नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सोचते हैं कि हम पहली बार डॉक्टर का ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लिया है, यानी कि ऑनलाइन डॉक्टर को बुकिंग कर लिया है और पहली बार ही हम डॉक्टर को दिखा के सब कुछ फिक्स्ड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट पेपर है उस पेपर को ले आने के बाद CMC भेलोर हॉस्पिटल में जब आएंगे, आने के बाद यहाँ पर जो सिस्टम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले से बता देता हूँ। आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका पेपर में चेकिंग होगा, सबसे पहले आपको सबसे पहले लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेपर में चेकिंग होगा। जनरल डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, दोनों के लिए एक ही सिस्टम ही है, आपका पेपर चेकिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, जब आपका लाइन आएगा तो दो आदमी जा सकता है, एक पेशेंट और एक पेशेंट के साथ एक आदमी जा सकता है, जैसे कि आप और आपका वाइफ जा रहा है, मैं कुछ इस तरह का कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और दोनों जा सकते हैं और दोनों का हाथ में स्टिकर लगा जाएगा, ठीक है। स्टिकर लगने के बाद आप अंदर जब जाएंगे, अंदर जाने के बाद भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लाइन में खड़ा होने के बाद आपको क्या होगा कि आपका जब लाइन आएगा वहाँ पर जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका फाइल रेडी होगा, फाइल तैयार होने के बाद आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड यानी पेशेंट के लिए कार्ड है, पेशेंट के लिए जो कार्ड है वो कार्ड फ्री कॉस्ट दिया जाता है, यानी कि कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात है कि हस्बैंड के लिए भी एक कार्ड बनाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए जो कार्ड बनाना पड़ता है यहाँ पर 250 रुपया लिया जाता है, ठीक है। कार्ड बनाना बहुत ही मैंडेटरी है। कार्ड बनाने से फ़ायदा यह होगा कि कार्ड के ऊपर जो आईडी नंबर दिया जाता है और जो स्कैनर कोड दिया जाता है, उस आईडी नंबर और स्कैनर को स्कैन करने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। जहाँ पर आप जाएंगे, डॉक्टर जब दिखेगा उस टेबल पर आपका डिटेल्स सब कुछ आ जाएगा, यानी कि आपको कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
कार्ड बनाने के बाद आपको आपका जो जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिया जाता है, डॉक्टर दिखाने के लिए सीरियल नंबर दिया जाता है और डॉक्टर दिखाने के लिए आपको रूम नंबर दिया जाता है, और वहाँ पर जाके आपको जो रूम नंबर है वहाँ पर जाके आपको बैठना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका अनाउंसमेंट आएगा तब आपको बुलाएगा और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, अगर आप जनरल डिपार्टमेंट में आए हैं या प्राइवेट डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में आए हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट में आप विजिट करके यानी कि डॉक्टर को विजिट देके यानी कि ऑनलाइन पे डॉक्टर को कंसल्ट लेके आप आए हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट में आने के बाद भी आपको जनरल डिपार्टमेंट में भेजेगा, यानी कि यहाँ का कुछ इस तरह का सिस्टम है, जिस तरह का आपका प्रॉब्लम है उस तरह का ही आपको भेजेगा, आपको पहले आपको जनरल डिपार्टमेंट में भेजेगा ही, यहाँ का इस तरह का सिस्टम है। और जनरल डिपार्टमेंट में भेजने के लिए आपको एक चार्ज देना पड़ेगा जो कि 130 रुपया अभी के लिए चार्ज है, ठीक है, कुछ इस तरह का 130 रुपया चार्ज देके आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उन लोगों ने कर देगा, ठीक है। आपको जाके जस्ट काउंटर में बोलना है, काउंटर नंबर कह देगा, ठीक है, काउंटर में जाना है, काउंटर में जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है। और जनरल डिपार्टमेंट में ये सिस्टम है कि आपको सबसे पहले प्राइवेट डिपार्टमेंट में दिखाने से पहले आपको जनरल डिपार्टमेंट में जाना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि जनरल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि डिपार्टमेंट जनरल है, ठीक है यार, एक बात बार बार हमेशा याद रखना है कि डिपार्टमेंट जनरल है क्यों, और डॉक्टर जनरल नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन डिपार्टमेंट जनरल है, ठीक है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, जनरल डिपार्टमेंट है, सो डॉक्टर एक ही है। जिस डॉक्टर ने प्राइवेट डिपार्टमेंट में देखता है उस डॉक्टर ने भी जनरल डिपार्टमेंट में देखता है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि हमारे साथ भी कुछ इस तरह का ही हुआ है। सो जनरल डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपको भेजने के बाद वहाँ पर आपका पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है, आपका और आपका वाइफ का, आपका गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट हो या अदर्स कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पूरा केस हिस्ट्री लिया जाता है, आप क्या करते हैं, आपका पहले सर्जरी हुआ है या नहीं, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं, आपका शुगर का प्रॉब्लम है या नहीं, या अलग सा कौन कौन प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको डिटेल्स में लिया जाता है। आपको करीबन 40 से 45 मिनट तक देखा जाता है, ठीक है, डॉक्टर दिखता है और डॉक्टर बहुत टाइम देता है पेशेंट को, और आपका सब कुछ डिटेल्स में लिया जाता है। लेने के बाद फिर से आपका फाइल रेडी होगा, आपका फाइल रेडी होने के बाद आपका फाइल आपका हाथ में नहीं आएगा, यहाँ का यहीं पर सिस्टम है कि फाइल वहाँ पर ही जमा रहेगा, ठीक है, फाइल आपका हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है कि फाइल अगर आपका हाथ में आ जाता है तो गुम हो जाता है या वहाँ कहीं गुम हो जाता है, सो फाइल यहाँ पर जमा रह जाता है, लेकिन जो कार्ड देता है उस कार्ड आपके पास रह जाता है, और उस कार्ड को उन लोगों ने स्कैन करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स आ जाता है, जिस टेबल पर डॉक्टर बैठता है वहाँ पर डॉक्टर सब कुछ आपको आपका दिख जाता है, ठीक है, उसका स्क्रीन पे सब कुछ आपका दिख जाता है, सो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, फाइल उनके पास ही रह जाता है। और जनरल डिपार्टमेंट में यही फैसिलिटी है कि आपका फाइल रेडी हो जाता है डॉक्टर दिखने के बाद, और दिखने के बाद आपका क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि ब्लड टेस्ट हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो या एक्सरे हो या ECG हो कुछ या स्कैन हो, जो जिस तरह का आपका प्रॉब्लम है सब कुछ जनरल डिपार्टमेंट में ही होता है सबसे पहले, ठीक है, आपका पहला फास्ट ट्रीटमेंट जनरल डिपार्टमेंट में होगा, और फास्ट ट्रीटमेंट जो होगा वहाँ पर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो ब्लड टेस्ट है, सेमिनल एनालिसिस टेस्ट हो या अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट हो या अलग सा कोई टेस्ट हो, TBS हो, सब कुछ हो जाता है। और जनरल डिपार्टमेंट में सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जब आपका रिपोर्ट आ जाएगा, आपका रिपोर्ट यहाँ पर एक ही सिस्टम है कि आपका रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं आएगा, रिपोर्ट यहाँ पर आप ऑनलाइन पे वहाँ का जो ऑनलाइन का सिस्टम है उस ऑनलाइन पे रह जाएगा, ठीक है, और आपका हाथ में रिपोर्ट नहीं आएगा, सो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो ID नंबर दिया गया है कार्ड में, जो स्कैनर कोड दिया गया है, उसको स्कैन करने के बाद उन लोगों को आपका पूरा जो ब्लड टेस्ट आपने किया है, आपका जो पूरा केस हिस्ट्री है, पूरा का पूरा डॉक्टर जो दिखेगा उसका स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ डिटेल्स में आ जाएगा, सो इसलिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इस तरह का कंप्लीट होने के बाद उसके बाद डॉक्टर प्राइवेट डिपार्टमेंट में देखता है। मान लीजिए आपने जनरल डिपार्टमेंट में आपका सबसे पहले आप जनरल डिपार्टमेंट में आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके आए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जनरल डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट लेके आते हो तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह का। जनरल डिपार्टमेंट में डॉक्टर सब कुछ केस हिस्ट्री लेगा, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, और जनरल डिपार्टमेंट में ही बता देगा डॉक्टर
कि क्या फाइनल डिसीजन जो है जनरल डिपार्टमेंट में ही बता देगा, ठीक है, आपको प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाने का कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक ही है। जिस डॉक्टर ने जनरल डिपार्टमेंट में देखता है, उस डॉक्टर ने प्राइवेट डिपार्टमेंट में देखता है। और मान लीजिए अगर आपने प्राइवेट डिपार्टमेंट में डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके आए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट को होल्ड कर देगा, उसके बाद आपको जनरल डिपार्टमेंट में आपको भेजेगा। जनरल डिपार्टमेंट में आपका सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, आपका जो प्रोसेस है टेस्ट सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आपका जो प्राइवेट डिपार्टमेंट में वहाँ पर भेजेगा। और जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, प्राइवेट डॉक्टर दिखेगा, प्राइवेट डॉक्टर दिखने के बाद भी उन्होंने भी सेम चीज़ ही बताएगा जो जनरल डिपार्टमेंट में बताता है, ठीक है। सो इसलिए जनरल डिपार्टमेंट में और प्राइवेट डिपार्टमेंट में एक ही चीज़ है। खासियत बात यह है कि जनरल डिपार्टमेंट में थोड़ा कॉस्ट लो आता है, यानी कि जो चार्ज है, यानी कि जनरल डिपार्टमेंट में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट का जो चार्ज है थोड़ा कॉस्ट लो है, और प्राइवेट डिपार्टमेंट में ज़्यादा कॉस्ट आता है। सो इसलिए और एक बात है कि जनरल डिपार्टमेंट में डॉक्टर जो टाइम देता है उस टाइम पे आपको दिखाना है, यानी कि डॉक्टर जो टाइम देगा आपको उस टाइम के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। यानी कि डॉक्टर जनरल डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा टाइम देके देखता है, करीबन आप एक घंटा तक टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट डिपार्टमेंट में अब क्या होगा कि डॉक्टर जो टाइम देता है उस टाइम के अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। प्राइवेट डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर करीबन आपने मान लिया कि आप डेढ़ घंटा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, डॉक्टर को सब कुछ बता, डॉक्टर को आप सब कुछ कह सकते हैं, डिटेल्स में सब कुछ पूछ सकते हैं, डॉक्टर को सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं। सो जनरल डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह का अंतर है। अगर आप जनरल में डिपार्टमेंट में दिखना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है, इसके बारे में मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, और मैंने डॉक्टर को दिखाया था। जो जनरल डिपार्टमेंट में मुझे भेजा था वहाँ पर मैंने डॉक्टर को पूछा था कि आपका यहाँ पर जो जनरल डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपका क्या सिस्टम है। तो डॉक्टर ने, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर था, ठीक है, जनरल डिपार्टमेंट ने दिखा था, डॉक्टर ने सब कुछ खुल के बताया कि यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है, आपका मनमर्जी आप जनरल डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं और प्राइवेट डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। प्राइवेट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, डॉक्टर के साथ बातें करने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, आप बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। और मेरा जो प्रॉब्लम है मैं आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, मेरा भी प्रॉब्लम कुछ इस तरह का हुआ था। मैंने सबसे पहले, मुझे भी इस तरह का कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने सबसे पहले प्राइवेट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, ठीक है, गायनोकोलॉजी, मेरा वाइफ का प्रॉब्लम था, यानी कि इश्यूज नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं प्राइवेट डिपार्टमेंट में मैं पहले सबसे पहले डॉक्टर का ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, यानी कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ने जो कहा है कि जिस डॉक्टर ने देखा था उस डॉक्टर का नेम था प्राइवेट डिपार्टमेंट में, उस डॉक्टर का नेम था बिना के कुछ इस तरह का नेम था, ठीक है, गायनोकोलॉजी डॉक्टर है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो प्रॉब्लम है आपको अलग से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि जिस तरह का आपका प्रॉब्लम है, यानी कि आपका अगर मान लीजिए आपका जो कोई भी वाइटल प्रॉब्लम है, जैसे कि गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है, डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट, गायनोकोलॉजी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, डर्माटोलॉजी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। सो कुछ इस तरह का यहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको भेजेगा वहाँ पर आपको जाना है। सो वहाँ पर जब हम गए तो डॉक्टर कहा है कि यहाँ पर हमने नहीं देखेंगे, आपको अलग सा डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। सो डॉक्टर ने मुझे जो रेफ़र किया है जनरल डिपार्टमेंट में रेफ़र किया है। जनरल डिपार्टमेंट जो था उस डिपार्टमेंट का नेम था रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यानी कि गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट था, ठीक है। उस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में हमको जनरल डिपार्टमेंट में पहले जाना पड़ा। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने करीबन 40 से 45 मिनट तक दिखा था जनरल डिपार्टमेंट में। जनरल डिपार्टमेंट में 40 से 45 मिनट दिखना बहुत ज़्यादा बात है, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। और डॉक्टर ने दिखने के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने जनरल डिपार्टमेंट में सब कुछ केस हिस्ट्री लिया है, मेरा केस हिस्ट्री लिया, मेरा वाइफ का केस हिस्ट्री लिया, और सब कुछ डिटेल्स में पूछा है। पूछने के बाद हमको भी पूछा है कि हम क्या करते हैं, हमारा कुछ अलग सा ऑपरेशन हुआ है या नहीं, कोई शुगर का प्रॉब्लम है या नहीं, थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं, बहुत बहुत सारा टाइम देता है जनरल डिपार्टमेंट में। उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ जनरल डिपार्टमेंट में, ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा सीमन एनालिसिस टेस्ट हुआ, मेरा वाइफ का अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट हुआ। और टेस्ट होने के बाद फिर से हमारा जो अपॉइंटमेंट डेट था, जो प्राइवेट डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए जो अपॉइंटमेंट डेट था, उस डिपार्टमेंट में हम गए। तो डॉक्टर ने फाइनली वहाँ पर ही बता दिया था
जनरल डिपार्टमेंट में कि आपको सर्जरी का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपका सर्जरी नहीं होगा, आप नॉर्मली ट्राई कीजिए। और हमको फिर भी हमको डाउट हो रहा था, फिर हमने जनरल प्राइवेट डिपार्टमेंट में गए और प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ पर फिर से सेम बात ही बताया डॉक्टर ने। प्राइवेट डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर दिखा था वो एक क्रिश्चियन डॉक्टर दिखा था, डॉक्टर का नेम था ट्रीसा जोसेफ कुछ इस तरह का नेम था, जो कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का डॉक्टर था। और इससे पहले हमारा जो दो बार जनरल डिपार्टमेंट में दिखाने का अपॉइंटमेंट था, यानी कि हमारा जनरल डिपार्टमेंट में दो बार अपॉइंटमेंट था, ठीक है, दोनों बार ही जब दिखाए थे दोनों डॉक्टर ही बंगाली डॉक्टर था। पहला डॉक्टर का नेम था, जब जिस डिपार्टमेंट में जनरल डिपार्टमेंट में दिखाए थे हम, पहला डॉक्टर का नेम था जयदीप चक्रवर्ती कुछ इस तरह का नेम था, और दूसरा डॉक्टर ने जब दिखा था, यानी कि जो जिस डॉक्टर ने फाइनली हमको बता दिया था कि ऑपरेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उस डॉक्टर का नेम था अत्रिपाल कुछ इस तरह का नेम था। सो प्राइवेट डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह का अंतर होता है। और लास्टली जब हमारा कॉन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए जब लास्टली हम प्राइवेट डिपार्टमेंट में गए, प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने करीबन एक घंटे तक देखा है, 40-45 एक घंटे आसपास होगा, ठीक है, एक घंटे तक देखा है डॉक्टर ने। और एक घंटे तक दिखने के बाद डॉक्टर ने वही सेम चीज़ बताया, डॉक्टर ने वही सेम चीज़ बताया कि आपको ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली ट्राई कीजिए, 6 महीने तक नॉर्मली ट्राई कीजिए। और एक मेडिसिन दिया था, बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नेम था फॉलिक एसिड टैबलेट, उस मेडिसिन को दिया है। और 6 महीने के बाद फिर से आने को बुलाई, यानी कि अगर 6 महीने के अंदर प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज़ आ जाता है तो आपको आने का ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज़ नहीं आ रहा है तो आपको आना पड़ेगा, डॉक्टर ने कुछ इस तरह का बताया। और यहाँ पर जो सिस्टम है कि मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भेलोर में CMC हॉस्पिटल में प्राइवेट डिपार्टमेंट में और जनरल डिपार्टमेंट में क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर एक सिस्टम है कि मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि आपको 5 महीने तक आपको मेडिसिन लेना है, और मेडिसिन लेने के बाद अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर आ जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा और हम देखेंगे कि ऑपरेशन करवा रहे हैं या नहीं। जब आप आएंगे उससे पहले आपको 5 महीने टाइम दिया है, ठीक है, एक महीने से पहले यानी कि चौथा महीने में आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका 5वीं महीने में आपका ऑपरेशन करवाना है तो चौथा मंथ में आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग होने में 1 महीने तक टाइम लगता है ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, जो आपका जो अपॉइंटमेंट पेपर है उस अपॉइंटमेंट पेपर में देखिए गया कि वहाँ पर एक email ID दिया गया है, और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जो CMC भेलोर हॉस्पिटल का जो email ID है उस email ID में आपको मेल करना है, ठीक है, आपको सब कुछ डिटेल्स में मेल करना है, आपका कार्ड नंबर सबसे पहले आपका नेम देना है, एज देना है, आपका क्या प्रॉब्लम है देना है, उसके बाद आपका कार्ड नंबर देना है, कार्ड नंबर देने के बाद आपको लिखना है कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है और आप कब ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर दिखेगा, और मेल का रिप्लाई देने में करीबन 10 से 12 दिन लग जाता है यहाँ से, और आपको उस मेल से ही बता देगा कि आपका ऑपरेशन कब आपको करवाना है, डेट भी दे देगा आपको। इसलिए आपको कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले यही जो फैसिलिटी है कि आपको आने से पहले, यानी कि ऑपरेशन करवाने से आने से पहले आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे करेंगे आप, CMC भेलोर हॉस्पिटल का जो वेबसाइट दिया गया है वहाँ पर जाके आप जो ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर जाके आप डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, यानी कि आप जिस डॉक्टर को दिखाया है उस डॉक्टर का वहाँ पर नाम आएगा, वहाँ पर जाने के बाद आप डॉक्टर के साथ बातें कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, और आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका कार्ड का ID नंबर दीजिएगा। आपका कार्ड का ID नंबर दे जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर सब कुछ चेक कर लेगा, कार्ड नंबर के एंटर करने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स में फुल्ली आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर आ जाने के बाद और डॉक्टर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करवाने के लिए आपको डेट दे देगा, ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। और यहाँ पर हेल्थ कार्ड का भी फैसिलिटी है, यानी कि अगर आपका हेल्थ कार्ड है, अगर आपका वेस्ट बंगाल से है आप, अगर आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो भी आपका यहाँ पर ऑपरेशन होता है। और आपका हेल्थ कार्ड यहाँ पर अप्रूव होने के लिए करीबन आपको बहुत पहले से आना पड़ेगा, यानी कि आपको करीबन 7 से 10 दिन पहले आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और आने के बाद आपका हेल्थ कार्ड अप्रूव होगा, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा।
सो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको सब कुछ डिटेल्स में मैंने बता दिया है कि यहाँ का क्या क्या सिस्टम है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में प्राइवेट डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंट क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल्स में बता दिया है। सो उम्मीद है कि आज का इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके बारे में इसके बारे में ये जो मैंने जो सब कुछ प्रोसेसिंग बताया, अगर इसके बारे में आपका मन में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकॉन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।